एक्शन। मैसिव सेलिब्रेशन इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंप। आप कहाँ से आए हो? जी सर, चिनारबाग से। तो काफ़ी पटाखे चल रहे हैं, काफ़ी सेलिब्रेशन हो रहा है सर। बहुत खुशी है हमको। क्या खुशी है? हमने जीता है। कौन चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए? हमारा चीफ उमर अब्दुल्ला बनना चाहिए। उमर अब्दुल्ला 10 साल के बाद। हाँ, 10 साल। यू कैन सी दिस मैसिव कैवलकेड। दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू द रेजिडेंस ऑफ उमर अब्दुल्ला एंड फारूक अब्दुल्ला। दे जस्ट कम। वी सीन सच सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीनगर। कैन सी पीपल रनिंग अराउंड एंड सेलिब्रेटिंग। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू स्पीक टू देम बट ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ रश ऑफ दीज पीपल हु आर इन फैक्ट सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? से। क्या आज बहुत सेलिब्रेशन कर रहे हो आप? आज बहुत मजा आ रहा है। बस बीजेपी को हराने में अलग ही मजा है। आप बताइए। बस बहुत खुशी मिली है, इतनी खुशी कि मैं बयान नहीं कर पाऊँ। ये जो जीत है, ये कश्मीर के लोगों की जीत है। दिस विन इज अगेंस्ट द हेट। दिस विन इज अगेंस्ट those people who had tried to spread all the communal, all the caste system out here, but it has failed. Satisfied with the victory of national? Very much satisfied. How are you going to celebrate? Alhamdulillah, we're going to celebrate it very much on our way, and from tomorrow we're going to start work. Right. So they are celebrating today and they're saying that tomorrow they'll start their work. Now you can see these cars, all these cars with flags, national conference flag, and crackers are being burst as they move towards the residence of Umar Abdullah and Farooq Abdullah at the Gupkar Road. Massive victory for National Conference. It's a landslide victory. बोलिए। हम लोगों की मैसिव विक्ट्री है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसे इंटरव्यू हुई थी। हम लोगों ने आज पीडीपी को यहाँ से कफन और दफन किया। तो आपको लगता है ये वोट बीजेपी के खिलाफ है? जी, ये 370 के खिलाफ है, 35A के खिलाफ है। ये 10 साल से जो इन लोगों ने यहाँ पे जुल्म किया है उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ है। ये बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ है। लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत उम्मीदें हैं। People have lot of expectations from national conference. That's what they are saying. आप बताइए कहाँ से आए हैं? So we're trying to catch them. In fact, they are not stopping. They are moving in these cars. Let's speak to her. वालेकुम सलाम। बताइए जी, आज बहुत बड़ी विक्ट्री है। जी, इंशाल्लाह। क्या कहना है आपका? उम्मीद से ज़्यादा? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला। लेकिन आप एक्सपेक्टेशन है तो फिर एक्सपेक्टेशन पे उतरना भी है। इंशाल्लाह रहमान। That is what you can see, the national conference candidate, victorious candidate with the supporters going towards their office at the Gupkar Road. There's Imran Dar, the spokesperson. All of them are today celebrating. It's a happy camp today. Obviously, they got the numbers that they were wanting. You can see celebrations everywhere showing the victory sign. These are the members of National Conference who are celebrating today in Srinagar. Of course, with the help of the Congress Party, they have registered a massive victory. आप बताइए क्या कहना आज आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ग्रेट विन फॉर अस। और अब एक्सपेक्टेशंस ये है कि जल्दी स्टेटहुड आ जाए। तो मेन मसला जो है वो स्टेटहुड का था? नहीं नहीं, विनिंग इज इम्पॉर्टेंट ऑलवेज। तो अभी स्टेटहुड का भी इंतज़ार रहेगा कि जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर रहेगा पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। राइट, सो स्टेटहुड वाज इज इंपॉर्टेंट बट विनिंग इज इंपॉर्टेंट। राइट, मोर इंपॉर्टेंट देन। सो इट इज क्लियर नाउ उमर अब्दुल्ला विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। होपफुली द पार्टी लीडर्स विल डिसाइड इट। राइट, सो बट फारूक अब्दुल्ला हैज ऑलरेडी सेड दैट इट्स गोइंग टू बी उमर अब्दुल्ला। सो यू कैन सी दिस victory processions in Srinagar. This is national conference celebrating today, celebrating their victory. Of course, they've got the numbers and they are bursting crackers as they celebrate their victory in Srinagar. Big victory for the national conference camp. Farooq Abdullah also spoke a short while ago and he said that this is basically a vote against the moves of August 5, 2019, and a lot of work need to be done to bring some relief, some relaxation to the people on ground. In Srinagar with Amit Chasti, Zafar Iqbal from Hujur Story.